केंद्र सरकार और किसानों के बीच कल हुई 11वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। पहले की बैठक में अगली बैठक के लिए तारीख तय हो जाती थी, लेकिन कल की जो बैठक हुई उसमें कोई तारीख तय नहीं हुई है, जिसका मतलब है कि दोनों पक्ष बहुत जल्दी मिलने वाले नहीं हैं। हालांकि सरकार ने किसानों से कहा है कि वो उनके प्रस्ताव पर फिर से विचार करें और आज दोपहर 12:30 बजे तक सरकार को जवाब दें। कल भले ही बैठक 5 घंटे चली हो, लेकिन दोनों पक्ष मुश्किल से 30 मिनट के लिए आमने सामने बैठे। केंद्र सरकार ने 10वें दौर की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को निलंबित रखने और समाधान ढूंढने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने की पेशकश की थी, लेकिन कल की बैठक की शुरुआत में ही किसान नेताओं ने सरकार को बता दिया कि सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। और किसानों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड किसी भी हालत में होके रहेगी। बातचीत में समाधान ना निकलने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से कहा है कि कुछ ताकतें आंदोलन खत्म करना नहीं चाहती हैं। तोमर ने यह भी कहा कि जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं हो पाते हैं। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा। बैठक की कोई अगली तारीख तय नहीं। सरकार का प्रस्ताव ठुकराते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान। 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड पर अड़े किसान संगठन। ये 4 खबरें किसान आंदोलन की मौजूदा स्थिति बताती हैं। वैसे तो 11वें राउंड की बातचीत से पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि बातचीत में कोई हल नहीं निकलेगा। राजधानी के विज्ञान भवन में सिर्फ बैठक के बाद ये आशंका सच साबित हो गई। इतना ही नहीं, इस बार की बैठक इस तरह से खत्म हुई कि अगली बैठक की तारीख तक तय नहीं हो पाई। बेनतीजा बैठक के बाद कृषि मंत्री गुस्से में नजर आए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेता कानून वापसी पर अड़े हैं। सरकार ने एक के बाद एक प्रस्ताव दिए, लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए इसको बारीकी से वो देख रही है। आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो इस भाव का सर्वदा अभाव था, इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। वैसे तो किसान और सरकार के बीच 11वें राउंड की बैठक 5 घंटे तक हुई, लेकिन असली बातचीत सिर्फ आधे घंटे की ही थी। किसान नेताओं ने सरकार के मंत्रियों से कहा कि उन्हें 1.5 साल तक कृषि कानूनों का निलंबन का प्रस्ताव मान्य नहीं है। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन किसान नेता नहीं माने और बातचीत टूट गई। इसी के साथ किसान आंदोलन पर अनिश्चितता भी बढ़ गई। सरकार ने अगली बैठक की तारीख तय नहीं की है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर फिर से विचार करें और आज दोपहर 12:30 बजे तक जवाब दें। हालांकि आज दोपहर तक किसान संगठन सरकार को कोई जवाब दे इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। सरकार ने बोला जो हमारा जो प्रस्ताव है वही प्रस्ताव है, आप तो चर्चा में आगे नहीं बढ़ा। आज कुछ आधा घंटा चर्चा हुआ, तो आप जाके वापस जाके आप चर्चा करके हमको कल 12 बजे तक बताओ। जो हम आगे मीटिंग का जरूरत होगा तो हम कल फिर दोबारा मीटिंग विज्ञान भवन में ना भी हो कोई जगह में करेंगे। बैठक में यही हुआ है, जो उन्होंने प्रस्ताव पहले रखा था 20 तारीख को, वही प्रस्ताव उन्होंने आज रखा। भाई हम जे आप इस प्रस्ताव पर सहमत हो तो ठीक है, आ जाए आप ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे और कोर्ट में पेश कर देंगे। जे आप सहमत नहीं है फिर ठीक है, फिर आने की लोड नहीं, तुसी अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करेंगे बस। तो आप लोगों का क्या मत रहा उसमें, क्या है आपका क्या मत रहा, आपने लोगों की राय क्या बनी? बिल्कुल है भी, हमें जो प्रस्ताव बी वाला प्रस्ताव है 1.5 साल वाला, हम सबने सर्वसम्मति से जो रिजेक्ट कर दिया है उसको रद्द कर दिया है। निया सरकार ने कुछ दिया नहीं तो बार बार कहा कि वही प्रपोजल है ओल्ड, आप उस पर मीटिंग कर लो, अगर कोई विचार बने
तो कल बता दो, कल दोबारा मीटिंग कर लेंगे फिर, और कुछ नहीं है इसमें। कल बैठक होगी? नहीं, अगर वही प्रपोजल लेती है बैठक का तो कोई प्रश्न है नहीं, वो नई प्रपोजल आती तो तभी बैठक करते ना, प्रपोजल तो सेम है। डेडलॉक कैसे, वो प्रपोजल डिस्कस हो गया, रिजेक्ट हो गई है, इसलिए नया है नहीं, नया है नहीं कुछ। 59 दिन से आंदोलन जारी है, लेकिन कुछ नेता नहीं चाहते कि आंदोलन का कोई हल निकले, इसीलिए 1.5 साल तक कृषि कानूनों को सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर किसान नेता रजामंद नहीं हो पाए। हालांकि कुछ किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव को बेस्ट एग्जिट प्लान मान रहे थे, कुछ नेता चाहते थे कि सभी 40 संगठनों की तरफ से रजामंदी हो और आंदोलन सम्मानजनक तरीके से समाप्त हो जाए, लेकिन कुछ किसान नेता किसान संयुक्त मोर्चा पर हावी रहे और सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, चूहा भी नहीं निकला। तो ये बात है कि आज की मीटिंग तो रही बेनतीजा रही, इसमें कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन ये था कि बड़ी आशा के साथ सब आए थे कि सरकार जो है, जो पीछे की बार पॉजिटिव रुख दिखाया था, इस बार भी पॉजिटिव रुख होगा उनका, तो लेकिन उनका रवैया जो था वो पॉजिटिव नहीं था इस बार। सरकार का जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं था, बात करने के मूड में नहीं थे, तो उन्होंने क्या, जब हम गए तकरीबन एक कह दिए भी 17-18 मिनट सवेर में बात हुई, वो कहते कि जो हमने प्रपोजल देनी थी, जो आपको देना था किसान जथेबंदियों को देना था, हमने दे दिया, इसके अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। असल बात यह है कि ज़्यादा नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार की जो किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। एक तरफ सरकार और किसानों के बीच बातचीत टूट गई, तो दूसरी तरफ किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का पक्का इरादा कर लिया है। 11वें दौर की बैठक के बाद जब किसान नेता विज्ञान भवन से बाहर आए तो ज्यादातर की जुबान पर ट्रैक्टर परेड का ही मुद्दा था। किसान संगठन किसी भी कीमत पर ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं। इस मामले पर कल फिर किसान नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस की मीटिंग हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने कहा कि वो दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। पुलिस ने इसकी मंजूरी देने से मना कर दिया। पुलिस ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर परेड निकालने की अपील की, लेकिन किसान नहीं माने। ट्रैक्टर रैली आप लोगों ने कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी, उसका कैसे वो करेंगे आप लोग? हाँ नहीं, 26 की रैली तो करेंगे भाई, वही तो हमारा बड़ा प्रोग्राम, मेगा, मेरा कि क्या बोलते हैं, मेगा प्रोग्राम है हमारा, अगले प्रोग्राम में एक आधे दिन में अनाउंस कर देंगे। जो ट्रैक्टर रैली होनी है उसको लेके क्या आप लोग मतलब करेंगे उसको? हाँ, ट्रैक्टर रैली को करेंगे, 26 तारीख को होगी, शांतिपूर्वक होगी, और हम सरकार से कहेंगे कि वो प्रशासन हमारा सहयोग करे। 26 जनवरी को तो चलेंगे, हाँ चलेंगे 26 को, आइयो वहीं मिलिए 26 तारीख में, ट्रैक्टर पर आइयो बैठ कर। दिल्ली पुलिस किसान नेताओं से बार बार कह रही है कि 26 जनवरी को अगर ट्रैक्टर परेड निकली तो सुरक्षा पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, लेकिन किसान संगठनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को अहम मुद्दा बना लिया है, वो इस मामले पर टस से मस होने को तैयार नहीं। आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस के आला अफसर किसान नेताओं से बातचीत करने वाले हैं और फिर उन्हें समझाने वाले हैं कि ट्रैक्टर परेड से कैसे परेशानी खड़ी हो सकती है। कुमार सोनू और अर्चना सिंह के साथ देवेंद्र पाराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की